الساعات. चुनाव आयोग ने दूरदर्शन से मांगा जवाब, पूछा सबसे ज्यादा बीजेपी को कवरेज क्यों? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की राहुल को दो टूक, कहा अगर आतंकवाद मुद्दा नहीं तो एसपीजी सुरक्षा हटा ले। कांग्रेस में शामिल होते ही शॉटगन को पटना साहिब से मिला टिकट, बीजेपी के रविशंकर से करेंगे दो दो हाथ। ...2019 से पहले झारखंड में टूटा महागठबंधन, कांग्रेस आरजेडी आमने सामने, कांग्रेस ने भी चतरा सीट से खड़ा किया उम्मीदवार। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने छोड़ी लालटेन, समर्थकों की उपेक्षा से खफा होकर अब डीजल पंप चिन्ह पर उतारेंगे प्रत्याशी। नमस्कार, नेशनल लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं अंशुल कौशिक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लगता है कि आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है तो वह अपनी एसपीजी सुरक्षा हटा ले। सुषमा ने कहा कि अगर राहुल और उनके परिवार को किसी से डर नहीं लगता तो वह लिख कर दें कि उन्हें सुरक्षा के लिए कमांडोज की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि इस बार चुनाव में आतंकवाद नहीं बल्कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष के उसी बयान को आधार बनाकर पलटवार किया। उनका कहना था कि राजीव गांधी की हत्या के बाद से ही पूरा गांधी परिवार एसपीजी सुरक्षा के घेरे में रहा है। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर फंस गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी की सीट से प्रत्याशी राज बब्बर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया गया है कि राज बब्बर चुनाव प्रचार में बगैर अनुमति वाहनों का काफिला लेकर चले थे। पुलिसकर्मियों ने काफिले की में शामिल वाहनों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई थी। इस दौरान कुछ वाहनों को भी पकड़ा गया था। थाना पुलिस की ओर से मामले की सूचना स्टेटिक मजिस्ट्रेट को दी गई है। आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी सीट के बसपा प्रत्याशी श्री भगवान उर्फ गुड्डू पंडित पर भी वाहनों के काफिले में हूटर बजाने का मामला दर्ज हो चुका है। प्रत्याशी राज बब्बर के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है सर पूरी जानकारी? जो कांग्रेस के प्रत्याशी श्री राज बब्बर हैं, इनके जो वाहन का काफिला था उसमें 5 वाहन अतिरिक्त पाए गए थे जो उसमें नहीं था। इसके क्रम में थाना फतेहपुर सीकरी में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की। क्या कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया? हाँ, वाहनों को 5 वाहनों को सीज किया गया है, कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नवरात्र के पहले दिन नामांकन करने से पहले अखिलेश और डिंपल यादव ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करके अपनी ताकत का एहसास कराया। रोड शो में उनके साथ जया बच्चन और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इससे पहले डिंपल यादव ने ट्वीट करके बताया था कि वह नवरात्र के पहले दिन अपना नामांकन करेंगी। शनिवार की सुबह पूजा करने के बाद वह नामांकन दाखिल करने घर से निकली थी। 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करके उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। आपको बता दें कि आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। साथ में अखिलेश यादव, जया बच्चन, सतीश चंद्र मिश्रा और राम गोपाल यादव उनके साथ थे इस नामांकन प्रक्रिया में। और आपको बता दें कि 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करके उन्होंने अपनी ताकत का एहसास जनता को और विरोधियों को कराया है। भारतीय जनता पार्टी के 39वें स्थापना दिवस पर पार्टी के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी नेतृत्व के साथ लंबे समय से खफा चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली में एक कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस की ओर से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। इस दौरान पार्टी नेता
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बेबाक राय रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा गलत पार्टी में थे। केसी वेणुगोपाल ने कहा उन्हें उम्मीद है कि शत्रुघ्न कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह नवरात्र के मौके पर वे कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इस मौके पर कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। शत्रुघ्न ने इस मौके पर अपनी राजनीतिक जीवन यात्रा में शामिल सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी में उन्हें लोकशाही को धीरे धीरे तानाशाही में परिवर्तित होते देखा है। सिन्हा ने कहा कि मौजूदा बीजेपी नेतृत्व ने यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी जैसे कद्दावर शख्सियतों को निपटारा होते हुए देखा है। आपको बता दें कि सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और सही मानों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतोगत्वाग्र में संक्षेप में कहूं आज की इस घड़ी में, तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकशाही को शनह शनह धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीशन का जमाना खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महारथियों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक मंडल में। बाद में जो जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूँ। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने देश की जनता को मतदान के लिए जागरूक करने के लिहाज से यह कदम उठाया है कि इस कदम के तहत मतदान के बाद अगर आप ईंधन भराने जाएं तो प्रति लीटर 50 पैसे की छूट आपको मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2019 में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए चुनाव आयोग जुटा हुआ है, तो वहीं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी आयोग के इस मुहिम को और आगे बल दे रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक जो लोग वोट डालकर पेट्रोल भराने पहुंचेंगे उन्हें प्रति लीटर 50 पैसे की छूट दी जाएगी। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा कि हम उन मतदाताओं को प्रति लीटर 50 पैसे की छूट देंगे जो मतदान के बाद पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पे जाएंगे। इसके लिए उन्हें उंगली पर लगे शाही का निशान भी दिखाना होगा। बता दें कि देश भर में 7 चरणों में चुनाव है। इससे पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होना है, जबकि अंतिम चरण में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 मई को होगी। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में विपक्षी महागठबंधन बिखर गया है। दरअसल आरजेडी के बाद अब कांग्रेस ने भी चतरा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। गठबंधन के तहत आरजेडी को यहां सिर्फ पलामू सीट ही दी गई थी, जबकि चतरा लोकसभा सीट से बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी सुभाष यादव ने नामजदगी का पर्चा भरा है। यह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव और लालू के बेहद करीबी भोला प्रसाद यादव ने बीते दिन जनसभा कर कांग्रेस से अपना उम्मीदवार नहीं उतारने की अपील की थी। बहरहाल कांग्रेस ने बरही विधायक मनोज यादव को चतरा से चुनाव मैदान में उतारा है। सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। दरअसल सुषमा ने टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान पर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को जूता मारकर स्टेज से नीचे कर दिया है। सुषमा स्वराज राहुल गांधी के इस बयान से काफ़ी आहत दिखी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल के बयान से वह आहत हुई है और उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में अपने चहेते को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने
पार्टी से बगावत करती है। तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी का चिन्ह लालटेन छोड़ दिया है और जयप्रकाश जनता दल का चिन्ह डीजल पंप थाम लिया है। तेज प्रताप यादव और उनके चहेते समर्थकों ने जयप्रकाश जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के चहेते उम्मीदवार अब इसी पार्टी के चिन्ह पर लोकसभा के चुनावी अखाड़े में कूदेंगे। मालूम हो कि इससे पहले तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से अलग होते हुए लालू राबड़ी मोर्चा का गठन किया था। लालू राबड़ी मोर्चे को लोकसभा चुनाव में सिंबल नहीं मिलने के कारण तेज प्रताप यादव ने जयप्रकाश जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। असम राज्य के नलबाड़ी में आज सोनपुर ग्रामीण में मां मनसा पूजा के लिए नलबाड़ी शहर में एक रैली निकाली गई। हर साल सोनपुर ग्रामीण के मनसा मंदिर पर मां मनसा में पूजा आयोजित करते आ रहे हैं। इस पूजा में बलि भी दी जाती है। इस पूजा में नलबाड़ी के बाहर से भी भक्तगण आते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगते हैं वो भक्तगण को ज़रूर मिलती है। आज जो रैली निकाली गई, इस रैली में सोनपुर ग्रामीण के बूढ़े बच्चे और नौजवान औरतों ने सभी लोगों ने हिस्सा लिया। ये रिपीट हुई है खबर ये वाली लोकसभा चुनाव राज बब्बर वाली क्या कदम लगाए। कोरोना हो गया तो हम लोग दादाजी लोग ये लोग करते थे, लेकिन कम से कम 50 से ऊपर हो गया ये मां मनसा का पूजा। ये मां मनसा पूजा करते हैं हम लोग, स्नान करते हैं, अभी नदी में जाएंगे हम लोग पूरा गाँववासी, ये नलबड़ी वासी पूरा नदी में जाएंगे। ये रैली में कितना आदमी है? ये रैली में कम से कम 500 से ज़्यादा आदमी होती है। तो ये सब लोग जाते हैं नदी में पानी लाने के लिए, वो नदी में पानी लाकर स्नान करते हैं, महास्नान करते हैं देवी को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए नेशन लाइव। Combat Sports Shoes brings out the best in you. आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। चलना और
बोल के चलना। पसीना खून पसीना रगड़ के सीना लाया खून पसीना, पसीना खून पसीना रगड़ के सीना लाया खून पसीना। Combat Sports Shoes brings out the best in you. आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर। जिससे हो आपका सरोकार, हर खबर हर पल केवल नेशन लाइफ पर। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आगाज। हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी और ब्रेक के बाद आपका नेशनल लाइव में फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बताया गया है कि पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री सुंदरगढ़ आया है, लेकिन आज भी कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मोदी ने कहा, आज तो ओडिशा का प्रधान सेवक अपने मालिकों से आशीर्वाद लेने आया है। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हम परिवार पर आधारित नहीं हैं और ना हम लोग पैसे पर आधारित हैं। कई पार्टियों पैसों से बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के पसीने से बनी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को नमन करता हूँ। उनके परिश्रम से ही आज देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है और अब हम उनके परिश्रम से देश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में पहुंचे और उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम पैसों पर आधारित पार्टी नहीं है और ना ही हम परिवार से प्रेरित पार्टी हैं। हम कार्यकर्ता के पसीने से बनी हुई पार्टी हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं जो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मालिक से आशीर्वाद लेने आया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और बिना किसी का नाम लिए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खबर बिजनौर से है, जहां सियोहारा में एक बारह सिंगे की मौत हो गई। दरअसल बारह सिंगा जंगल से शिकारियों से बिछाए जाल से बचकर भाग ही रहा था कि उसी दौरान बारह सिंगे को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। बता दें, जंगल में शिकारियों ने शिकार के लिए जाल बिछा रखा था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बारह सिंगे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही वन विभाग की टीम तुरंत मामले की जाँच में जुट गई। तो बारासिंगा का मामला है, ये पूरा बात पता चाहिए क्या है? जी, अभी सच में मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई थी कि ये घायल हो गया, कुत्तों ने घायल किया है। स्टाफ हमारा उठा के लाया था यहाँ पे, जैसा बताया गया, तो अभी देखने से ये भी लग रहा है कि हो सकता है शिकार का भी मामला हो सकता है। ये जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, गाँव वालों का आरोप है कि इसको गोली मारी गई है या नहीं? गोली नहीं है, गोली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगी गोली है क्या चीज़ है। अभी पोस्टमार्टम इसका होने वाला है, डॉक्टर साहब को बुला रखा है, टीम बना दी गई है डॉक्टर की। गांव का मामला था ये। आपको बता दें कि बारह सिंगे की मौत हो गई है। दरअसल शिकारियों ने जंगल में
शिकार करने के लिए जाल बिछाया हुआ था, जिससे बचकर यह बारहसिंगा भाग रहा था। और आपको बता दें कि कुत्तों ने नोच नोच कर इस बारहसिंगे को मार डाला। फिलहाल वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर आगरा से है, जहां नगर निगम के सफाई कर्मचारी नेता ने नौकरी के नाम पर पहले तो महिला से 10 लाख रुपए की ठगी की, और अब जब महिला सफाई कर्मचारी नेता से रुपए वापस मांगने गई तो नेता ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। दरअसल पीड़ित महिला नीतू वर्मा का कहना है कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी नेता गौरव वाल्मीकि ने उसे नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए ऐंठ लिए थे, लेकिन अब तक उसकी नौकरी नहीं लग पाई। पूरे मामले पर CO हरिपर्वत गोपाल चौधरी का कहना है कि मामला पुलिस के संज्ञान में है, पीड़ित महिला से मिली तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित से मिली शिकायत के आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। किस बात के पैसे हैं? नौकरी लगवाने के लिए। कितने पैसे? 10 लाख। कौन है ये? गौरव वाल्मीकि। गौरव वाल्मीकि नगर निगम में ठेके लेता है नौकरी लगवाने के, सफाई कर्मचारी के भी ठेके लेता है, मुझसे तो नौकरी के ही बोला था। ये मारपीट कहाँ पे की तुमसे? कहाँ? अपने कार्यालय था। कहाँ पे? कार्यालय के बाहर शू मार्केट। और भी कोई था साथ में मारने वाला या अकेले? कैसे मारा? लाठी डंडों से? नहीं नहीं, कुछ धार था, हथियार था, उससे मारा था। बेहोश हो गई थी अभी आप? कैसे? हाँ, अभी तो मुझे पता नहीं, एकदम चक्कर आया। मेल को सूचना मिली थी थाना हरिपर्वत में संजय प्लेस की एक नीतू वर्मा के साथ मारपीट हुई है। पूछने पे उसने बताया कि एक गौरव वाल्मीकि और एक और लड़के ने इससे 10 लाख रुपए लिए थे नौकरी दिलवाने के लिए, उसमें से नौकरी लगाई नहीं और पैसे वापस जब इसने मांगे तो इसके साथ मारपीट की। मारपीट मार्केट में ओपन प्लेस में ही हुई है, इसके साथ काफ़ी टाँके भी आए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने इसका मेडिकल करा दिया है और ये एक बार बेहोश भी हो गई थी तो इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। FIR तहरीर दे रहे हैं, उस पर FIR दर्ज की जा रही है और आवश्यक वैधानिक। जनपद बागपत कोतवाली पुलिस टीम को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने क्षेत्र से एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में अवैध असले और काफ़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल बागपत कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि निवाड़ा गांव में अली शेर नाम के एक तस्कर के पास भारी संख्या में अवैध असला है, जिन्हें वह बेचने का काम करता है, और उसके पास जो असला है उसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में हिंसा के लिए रूप में उसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापा मारा और उसके पास से बड़ी संख्या में असला बरामद किया, जिनमें 7 देसी तमंचों के अलावा 1 देसी रिवाल्वर और देसी पिस्टल है। इतना ही, पुलिस ने एक बंदूक नुमा असला और बड़ी ही संख्या में जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी की माने तो आरोपी पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और जेल भी जा चुका है। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ने अपने साथ जुड़े कई लोगों के नाम बताए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। थाना बागपत की पुलिस ने, इंस्पेक्टर बागपत ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पोजीशन से 7 कट्टे और 1 कस्टमाइज्ड पिस्टल और 1 लंबा सा तमंचा उसे बरामद हुए हैं। उसके पास जिंदा कारतूस और कुछ खोखे कारतूस भी बरामद हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेशन लाइव।